हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खाओ पियो दिल से। गाइस, आज मैं एक बहुत ही शानदार डिश बनाने वाली हूँ जिसका नाम है पनीर लबाबदार। अभी लबाबदार मतलब एक ऐसा कोई चीज़ जिसके ऊपर आप पूरा सरेंडर कर देते हो। तो पनीर लबाबदार एक ऐसा टेस्टी डिश है जो आप खाओगे तो आपके टेस्ट बर्ड्स पूरा सरेंडर कर देगी। तो चलिए गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, उसमें दालचीनी 1 इंच और 3 इलायची डाल देंगे, 2 सूखी मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा डाल के उसको अच्छे से तेल के साथ भून लेंगे। फिर मैंने इसमें एक बड़ा साइज का प्याज डाल दिया है। आप प्याज को कोई भी रैंडम साइज में काट सकते हो क्योंकि लास्ट में हम लोग को सबको पेस्ट ही करना है। तो सारा प्याज डाल के मैं पहले थोड़ा सा इसको सॉटे कर लूंगी, थोड़ा स्टर फ्राई कर लीजिए बस। तो इसमें मैं अभी 10 से 12 लहसुन डाल दूंगी और 2 इंच अदरक डाल दूंगी और सबको तेल में सॉटे कर लूंगी। तो अभी मैं इसमें 2 ठो हरी मिर्च डाल दूंगी, फिर मैं इसमें 1 मुट्ठी काजू डाल दूंगी, आप काजू को अपने अनुसार डालें। फिर मैं इसमें 2 टीस्पून मगज डाल दूंगी, जिसको हम लोग मेलन सीड्स भी बोलते हैं। अगर आपके घर में मगज नहीं है तो आप काजू ज़्यादा डालें। और सबको मैं तेल के साथ अच्छे से मिला लूँगी। तो अभी मैं इसमें 2 मीडियम साइज टोमेटो डाल दूँगी और फिर मैं इसमें 1/4 का पानी डाल के इसको अच्छे से मिला के ढक दूँगी। फिर 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। देखिए, मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हम लोग गैस फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। अभी हम लोग पेस्ट बना लेंगे। तो सब कुछ मैं मिक्सचर ग्राइंडर के अंदर डाल दे रही हूँ और पेस्ट बना लूँगी इसका। तो मैंने पेस्ट बना लिया है, देखिए आपका यही कंसिस्टेंसी होगा। तो चलिए अब बना लेते हैं हम लोग पनीर लबाबदार। तो मैं इसमें तेल डाल दूंगी, फिर मैं इसमें बटर डाल दूंगी। आप बटर और तेल को अपने अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम लोग इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूंगी पूरा। और अभी हम लोग इस पेस्ट को थोड़ा कुक कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। फिर हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और मैं इधर 1 से 2 टीस्पून आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च डालें। गाइस, ये पूरा कलर के लिए है, इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता है। तो अभी मैं दोनों को अच्छे से मिला लूँगी और फिर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दूँगी, गरम मसाला पाउडर। फिर 1 कप पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी और फिर मैं ढक दूंगी और 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में कुक कर लूंगी। तो अभी मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी। गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका ग्रेवी थिक हो रहा है तो आप थोड़ा पानी डाल दीजिए। तो इसके बाद मैं इसमें पनीर ग्रेट कर दूंगी। आप मैं इधर 50 ग्राम से करीब पनीर ग्रेट कर रही हूँ। तो गाइस, यही इससे आपका लबाबदार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है। तो पनीर से आपकी ग्रेवी बहुत थिक भी हो जाती है। तो अभी हम लोग सबको अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। तो अभी मैं इसमें 200 ग्राम से करीब पनीर डाल दूंगी। तो हम लोग पनीर को ग्रेवी के साथ मिला लेंगे और इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। तो पनीर लबाबदार मेरा तैयार है। तो चलिए गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सर्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए गाइस, कितनी बढ़िया पनीर लबाबदार बनके मेरा तैयार है। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है गाइस, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये।
मैं इसमें गार्निशिंग के लिए पनीर ग्रेट कर रही हूँ। तो गाइस ये खाने में तो ऑसम है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो गाइस आपको ये बहुत ही अमेजिंग लगेगी। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है ज़रूर क्लिक करें। चलिए गाइस आज की वीडियो यहीं तक, मिलते अगले वीडियो में कुछ और भी बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।